तो सीता माँ को त्याग दिया क्यों सजनों अवध बिहारी ने, ए जी प्रभु ऋषि को श्राप दिया क्यों विष्णु चक्र धारी ने। सजनों वाल्मीकि रामायण का एक छोटा सा भजन, छोटा सा लेख बताया जाता है, जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या में आ जाते हैं, अयोध्या में भगवान का राष्ट्र हो जाता है, अयोध्या के राजा बन जाते हैं। 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने अयोध्या का राज किया था। भगवान राम के शासन काल में, भगवान राम के राज में कोई भी दुखी नहीं था, ना किसी की अकाल मृत्यु होती, सब सुखी थे, ना कोई रोग सता था। एक बार के बाद जब माता सीता गर्भवती हो जाती है तो भगवान राम से एक रोज हाथ जोड़ कर और क्या बात कहती है, अगर प्रभु एक गर्भवती स्त्री गर्भ के समय जैसे माहौल में रहती है तो उसकी होने वाली संतान भी उसी के अनुसार जन्म लेती है, तो इस समय में मैं गर्भवती हूं, मैं कुछ समय के लिए वनवास में जाकर के ऋषि मुनियों के आश्रम में रह करके उनका मान सम्मान करके उनकी सेवा पूजा बंदगी करके और उसी के अनुरूप मैं ज्ञानवान और बलवान पुत्र को जन्म देना चाहती हूं। तो बताया भजन के द्वारा, ओ अकरे गर्भवती हुई जनक नंदनी, ओ रे 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 ओ भाई, गर्भवती हुई जनक नंदनी रे साई खुशी अपार जी, अरे मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी, अरे गर्भवती हुई जनक नंदनी आई खुशी अपार, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी, अरे करने को तैयार राम जी, करने को तैयार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी। तैयार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी। हाथ जोड़ कर सीता बोली हे अर्ज फरमाओ, सीता बोली अर्ज फरमाओ, थोड़ा दिन तक वनोवास में जाकर रहना चाहूं, थोड़ा दिन तक वनोवास में जाकर रहना चाहूं, ऋषि मुनियों के आश्रम मेरे कंदमूल फल खाऊं, ऋषि मुनियों के आश्रम मेरे कंदमूल फल खाऊं, ज्ञानवान बलवान पुत्र को मैं पाल पोष कर लाऊं, ज्ञानवान बलवान पुत्र को मैं पाल पोष कर लाऊं, अरे दान मान सम्मान दे करूं जीवन का उदार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी, इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी, मई गर्भवती
अपार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी। मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी। देखो सीता माता भगवान से ये अर्जी लगाते कि भगवान मैं इस समय गर्भवती हूँ और हमारे वेद शास्त्र कहते हैं गर्भवती स्त्री जैसे मौन में रहती है उसकी संतान भी उसी के अनुरूप पैदा होती है। तो मैं कुछ समय के लिए वनवास में ऋषि मुनि के आश्रम में जाना चाहती हूँ और ज्ञानवान और बलवान पुत्र को जन्म देकर आना। तो भगवान राम ने सीता को तत्वास्तु कह दिया, जा सीता एक रोज ये तेरी मन की इच्छा पूरी कर दी जाएगी। इतनी बात कहकर के भगवान राम अपने सभा भवन में आते हैं और कैसे अपने मंत्रियों को नौकरों को क्या समाचार देते हैं और क्या बात होती है बताया नंबर दो में। वचन बद हो सीता से राम राज भवन में आया। वचन बद हो सीता से राम राज भवन में आया। राम सका संग श्री राम ने आपस में बतलाया। राम सका संग श्री राम ने आपस में बतलाया। यश अपयश की चर्चा सुननी को मेरा दिल चाया। यश के चर्चा सुननी को मेरा दिल चाया। अरे मेरा राज में दीन दुखी ने जाए न्याय दिलाया। मेरा राज में दीन दुखी ने जाकर राज दिलाया। ओ सिर पर जाका वार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी। मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी। भाई गर्भवती हुई जनक नंदनी रे छाई खुशी अपार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी। मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी। बताया भगवान राम अपनी सभा भवन के अंदर आते हैं और अयोध्या नगरी के जितने भी पंच पटेल मुखिया नामी ग्रामी जो भी थे उनको इकट्ठा करते अपने दरबार के अंदर और ये प्रश्न करते हैं कि भाई मेरी नगरी के अंदर कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस राजा की नगरी में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का भागीदार होता है। इसलिए राजा नगरी के लिए भगवान का रूप होता है, दुख सुख की सुनने वाला होता है और जायज और नाजायज का फैसला करने वाला भी होता है। इसलिए सभी ये बताओ
अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो उसके बारे में मेरे को जानकारी दो, उसमें मैं सुधार करूंगा। और अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है तो उसके बारे में मेरे को अवगत कराओ, ताकि उस काम को मैं और भी आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन देखो भगवान राम के बारे में कौन गलती निकाले, तो सभी नगरी के लोग पंच पटेल मुखिया अपनी नीची गर्दन करके बैठ जाते, कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन भगवान राम के 10 सखा थे, 10 मित्र, उन 10 सखाओं में से एक भद्र नाम का साथी खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है और भगवान राम से क्या कहता है, तो बताया भद्र के नंबर 3 में। बोलो मुखियाता भद्र अचानक सुनिए अवध बिहारी, बोलक जाता भद्र अचानक सुनिए अवध बिहारी, अवध बिहारी गाँव गली बाजार बीचिया जय जयकार तुम्हारी, बाजार बीचिया जय जयकार तुम्हारी, अरे देव तनुज नहीं कर सकता वो काम किया बड़ा भारी, कर सकता वो काम किया बड़ा भारी, अरे सागर पे पुल रावण का वध मारे अत्याचारी, रावण का वध मारे अत्याचारी, ओ मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी, मई गर्भवती हुई जनक नंदन रे छाई खुशी अपार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी, मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी। तो देखो वो भद्र नाम का भगवान का सखा, भगवान का साथी, भगवान का मित्र खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है और कहता है, ऐ प्रभु, ऐ श्री राम, आपने तो वो काम किया है जो आज तक कोई देव दनुज नहीं कर सका, सागर के ऊपर पुल का निर्माण करना, रावण जैसे दुष्ट पापी का संहार करना, ऐ श्री राम, गांव के अंदर गली मोहल्ले में बाजार के हर नुक्कड़ पर आपकी बहुत बड़ी चर्चा बढ़ाई हो रही है, आपने बहुत बहुत सच्चा काम किया, लेकिन ऐ श्री राम, आपकी पूरी अयोध्या नगरी के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई भी हो रही है, और बुराई के नाम से वो भद्र नाम का साथी भगवान राम से बताता है, तो राम जी कहते हैं, ए भद्र, जरा मेरे को उस बुराई के बारे में बता, मेरी क्या बुराई हो रही है। तो भद्र नाम का साथी उस बुराई के बारे में भगवान राम को क्या जानकारी देता है, और देखो क्या बात बनती है। आहा
तन था रावण लेगा पंचवती के माई तन था रावण लेगा पंचवती के माई हर गोत मठा के रावण ले गया पंचवती के माई तन था के रावण लेगा पंचवती के माई कई दिना तक सीता जी बा रावण के रह आई कई दिना तक सीता जी बा रावण के रह आई शुद्ध करके उर बिठा सिंहासन शुद्ध करके उर बिठा सिंहासन आपन गले लगाई सिंहासन आपन गले लगाई आगे चलकर अवध के लोगों को ठानी पड़े कठिनाई आगे चलकर अवध के लोगों को ठाने पड़े कठिनाई ओ अरे अर्जुन लाल रचा के पल मर कुदरत है करतार जी मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी अरे गर्भवती हुई जनक नंद निरे छाई खुशी अपार जी मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी मन की इच्छा पूरी रघुवर करने को तैयार जी ओ राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय बोल भगतुर भगवान की